गुड मॉर्निंग बच्चों, एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 7 साइंस के लेसन नंबर 4 के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, जिसके अंदर हमने हीट के बारे में पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़ा, कोई चीज हमें ठंडी क्यों लगती है, गर्म क्यों लगती है, इनके बारे में पढ़ा, और हमने थोड़ा बहुत थर्मामीटर के बारे में भी पढ़ा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेकेंड पार्ट। आज का हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू हैंडल क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी कि जो डॉक्टर जो थर्मामीटर यूज करते हैं उसको हम हैंडल किस तरह करें। तो वॉश द थर्मामीटर विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और अल्कोहल और वाटर, लेट इट ड्राई इन एयर। कि जो थर्मामीटर होता है उसको सबसे पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धो लें, या फिर जैसे डिटॉल हो गया एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, या फिर अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं उनसे हम धो लें, या फिर अल्कोहल से धो लें, या फिर पानी से उसको धो लें और बाद में उसको हवा में सूखने के लिए छोड़ दें। होल्ड द थर्मामीटर फ्रॉम इट्स टॉप एंड एंड रीड द लेवल ऑफ मर्करी। कि जो थर्मामीटर का जो टॉप एंड होता है बल्ब की अपोजिट साइड का जो हिस्सा होता है उसको पकड़कर जो मर्करी का जो लेवल होता है उसको अच्छे से पढ़ें। इफ द मर्करी लेवल इज ऑलरेडी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस देन यूज द थर्मामीटर एज सच। कि अगर जो लेवल जो है मर्करी का आप देखते हैं उसमें अगर वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इफ द लेवल ऑफ मर्करी इज अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस ब्रिंग इट डाउन बाय फ्यू गिविंग अ फ्यू जर्क्स टू द थर्मामीटर। कि अगर जो थर्मामीटर के अंदर जो लेवल ऑफ मर्करी है, मर्करी का यानी कि पारे का जो लेवल है, जो स्तर है वो 35 डिग्री से ज्यादा है, तो आपको कुछ जो थर्मामीटर है उसको पकड़ के थोड़े बहुत उसको झरकाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको एक प्रकार से झटका देना पड़ेगा हाथ की मदद से, जैसे हम कोई चीज झटकाते हैं उस तरह से थोड़े बहुत झटके देने के बाद में जो मर्करी का जो लेवल है वो अपने आप 35 डिग्री से कम आ जाएगा। दिस विल फोर्स द मर्करी लेवल टू मूव डाउन। कि ये मर्करी लेवल को बाध्य करेगा उसको नीचे आने के लिए, यानी कि उसको नीचे आने के लिए मजबूर कर देगा। प्लेस द थर्मामीटर बल्ब अंडर द टंग ऑफ अ पर्सन फॉर ए मिनट। कि जिस पेशेंट की आपको तापमान नापना है, उसका टेम्परेचर चेक करना है, तो उसकी जीभ के नीचे जो थर्मामीटर का जो बल्ब है, जो आगे का हिस्सा होता है, उसको एक मिनट के लिए रखिए। डू नॉट टॉक विद द पर्सन। और एक मिनट तक उस पर्सन से बात नहीं कीजिए जब तक उसके मुंह में थर्मामीटर हो और उसको बोलने के लिए मना कर दीजिए कि वो बोले ना, और जो चुपचाप है वो एक मिनट तक जो थर्मामीटर अपनी जीभ के नीचे रखे रहे। इट इज बिकॉज, ये इसलिए, इफ द पर्सन हैविंग थर्मामीटर टॉक्स कैन ब्रेक द थर्मामीटर रिलीजिंग द मर्करी विच इज पॉइजनस। ये इसलिए होता है बच्चों क्योंकि अगर जो पर्सन है वो बोलेगा थर्मामीटर मुंह में लगा के, तो ऐसा चांस बनता है कि थर्मामीटर है वो टूट जाए, और अगर ऐसा होगा तो उसमें से जो मर्करी है वो एक्सपांड होना शुरू कर देगी, वो फैलना शुरू कर देगी, वो रिलीज होना शुरू कर देगी, और मर्करी है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, बहुत ही ज्यादा जहरीली है। यू कैन ऑल्सो प्लेस द थर्मामीटर अंडर द आर्मपिट ऑफ द पर्सन। कि आप जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको ये ध्यान नहीं होता, वो अचानक से गलती से तोड़ भी सकते हैं, तो उनके लिए जो डॉक्टर है वो उनकी जीभ के नीचे नहीं, उनके जो आर्म होती है, जो हमारी शोल्डर की जो हिस्सा होता है उसकी नीचे की साइड लगाते हैं, ताकि जो बच्चा है उसको इजीली तोड़ ना पाए, उसको ब्रेक ना कर पाए। नेक्स्ट क्या हमें ध्यान रखना चाहिए कि रिमूव द थर्मामीटर फ्रॉम द माउथ और द आर्मपिट ऑफ द पर्सन एंड रीड इट कीपिंग योर हैंड ऑफ साइट विद द मर्करी लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब। कि आपको जब थर्मामीटर हटाना है तो उसको ऊंचा नीचे नहीं करना, मतलब आप किसी पर्सन के चेहरे से या उसके आर्मपिट से अगर आप थर्मामीटर निकाल रहे हैं तो उसको ध्यान से इजीली आसानी से निकालना, और अपनी आंखों के ऊपर उसका जो मर्करी लेवल उसको रेगुलरली देखते रहना, जो कैपिलरी ट्यूब के आपके ऊपर वहां पे जो मार्क्स है वहां पे देख लेना कि मर्करी का लेवल कहाँ तक है, कहाँ तक इसका टेम्परेचर है, लेकिन जो हटाने के बाद उसका जो थर्मामीटर है जब तक आप चेक ना कर लो तब तक के लिए उसको मूव मत करना, उसको हिलाना मत। हैंडल द थर्मामीटर विद केयर फ्रॉम द एंड अवे फ्रॉम द बल्ब। कि जो थर्मामीटर को पकड़ना है तो आपको जो बल्ब की दूसरी साइड का जो हिस्सा है उसको ध्यान से बिल्कुल इजीली आपको हैंडल करना है। डू नॉट हैंडल फ्रॉम द साइड ऑफ बल्ब। कि जो आप जिस साइड में बल्ब होता है, जिस साइड में जो हमारे मुंह के अंदर दिया जाता है जो बल्ब है, उस साइड के हिस्से को कभी भी हमें हाथ से छूना नहीं चाहिए, उसको हैंडल नहीं करना चाहिए वहां से, हमें उसके अपोजिट साइड से हैंडल करना चाहिए। रिवॉश द थर्मामीटर विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। और जैसे ही आप चेक कर लें उसके बाद में थर्मामीटर को है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वापस धो दें। डू नॉट स्टेरिलाइज द थर्मामीटर इन बॉइलिंग वाटर एज इट विल ब्रेक द बल्ब। कि आपको कहीं आप स्टेरिलाइज कीटाणु मुक्त करने के लिए इसको अगर आप पानी में उबाल दो तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप पानी में उबाल दो थर्मामीटर को तो इसका जो बल्ब है वो
फूट जाएगा, उसका जो बल्ब है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और जिसके बाद में जो मरकरी है वो फैल जाएगी। स्टोर द थर्मामीटर सेफली इन द सम प्लेस वेयर द टेम्परेचर डू नॉट राइज अबाउट द 35 डिग्री सेल्सियस। ये जो थर्मामीटर है उसको हमें सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, और जो थर्मामीटर है वो उसको इस जगह पर रखना चाहिए जहाँ का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम हो, वो 35 डिग्री सेल्सियस, तो इससे ऊपर ना हो उसके। अब आते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इंडिया अडॉप्टेड सेल्सियस स्केल फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, की भारत ने सबसे पहले जो सेल्सियस जो स्केल था, सेल्सियस जो पैमाना था टेम्परेचर मापने का, उसको अपनाया, अडॉप्ट किया। बिफोर द अडॉप्शन ऑफ दिस स्केल, कि इस स्केल को अडॉप्ट करने से पहले फ़ारेनहाइट स्केल वाज यूज्ड, फ़ारेनहाइट स्केल पहले यूज किया जाता था। ऑन दिस स्केल द रेंज ऑफ थर्मामीटर वाज फ्रॉम 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी बीइंग 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसकी जो रेंज होती थी वो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होती थी और 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती थी, और जो नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में ह्यूमन बॉडी का होता था वो होता था 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। मरकरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस एंड कैन कॉज एक्सीडेंट। मरकरी है वो एक जहरीला पदार्थ है जिसके कारण बहुत सी दुर्घटनाएं भी हो सकती है। दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी। लेकिन आजकल जो डिजिटल थर्मामीटर है या फिर इंफ्राडेड थर्मामीटर है वो अवेलेबल हो गए हैं, वो आपको मिल जाते हैं इजिली, जिनके अंदर मरकरी नहीं होता वो आपके लिए सेफ होते हैं। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड ए क्लिनिकल थर्मामीटर। कि जो लेबोरेटरी में यूज किया जाने वाले थर्मामीटर और जो क्लिनिक्स में यूज किए जाने वाले जो थर्मामीटर है उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। बोथ द लेबोरेटरी एंड और क्या क्या सिमिलरिटीज भी होती है, यानी कि क्या क्या समानताएं होती है और क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं। बोथ द लेबोरेटरी एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर आर मरकरी इन ग्लास दैट सिमिलर बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन सर्टेन वेज। कि जो लेबोरेटरी और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उनके अंदर सिमिलरिटी होती है कि उनके अंदर दोनों में ग्लास के अंदर मरकरी होती है, जो पारा है वो भरा हुआ होता है, लेकिन अलग अलग किस तरह से होते हैं वो हम पढ़ते हैं कि डिफरेंसेज आर लिस्टेड बिलो, और डिफरेंसेज नीचे बताए गए हैं। डिफरेंसेज बिटवीन द लेबोरेटरी एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, जो प्रयोगशाला में यूज करने वाला थर्मामीटर है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेज है। तो पहला है साइज के लिए, कि साइज में जो लेबोरेटरी वाला होता है वो बहुत लंबा होता है लेकिन क्लिनिकल छोटा होता है। टेम्परेचर रेंज जो होती है वो लेबोरेटरी वाले की -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस है, ये -10 -100 नहीं है, -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस है। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। पोजिशन एट द टाइम ऑफ रीडिंग, की पोजिशन कैसी होती है इसके अंदर, कि बल्ब रिमेंस इन कॉन्टेक्ट विद द सब्सटेंस। की लेबोरेटरी जो थर्मामीटर होता है उसमें अगर आप किसी चीज का टेम्परेचर नापना है तो उसका बल्ब है उस टेम्परेचर उस चीज से टच करके रखना होता है, उसके कॉन्टेक्ट में रखना होता है। जैसे कि हमें किसी मान लीजिए एक लोहे की एक रोड है उसका टेम्परेचर लगाना है, तो लोहे की रोड के ऊपर आपको बल्ब लगाए रखना होगा जब तक कि वो टेम्परेचर आप देख ना लें। लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, रीडिंग After removing from the body, क्लिनिकल थर्मामीटर पहले हमारे मुंह से निकाला जाता है, उसके बाद में उसका टेम्परेचर है वो मापा जाता है। डिजाइन ऑफ बॉडीज, की डिजाइन कैसी होती है, ये सिंपली सिलेंड्रिकल यानी कि सिलेंड्रिकल आकार का होता है, बेलनाकार का होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बॉडी इज डिजाइन टू गिव मैग्नीफाइंग इफेक्ट टू द मर्करी कॉलम ओनली एट अ सर्टेन एंगल। किसके अंदर जो बॉडी है वो मैग्नीफाइंग इफेक्ट के हिसाब से, मैग्नीफाइंग इफेक्ट यानी कि हम जो टेम्परेचर की जो रेंज है उसको आसानी से अच्छे से देख सके, इसके लिए इसकी बॉडी अलग तरीके से डिजाइन की जाती है। मरकरी कॉलम के लिए हम जान सके उसका जो टेम्परेचर है कितना है, एकदम सटीक टेम्परेचर जानने के लिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जानने के लिए इसकी बॉडी अलग तरीके से डिजाइन की जाती है। और इसकी जो बॉडी होती है वो लगभग प्रिज्म टाइप की होती है, प्रिज्म के आकार की होती है। प्रिज्म कैसा होता है आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं। डिजाइन ऑफ कैपिलरी, इसके अंदर कैपिलरी का डिजाइन कैसा होता है बच्चों, कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसके अंदर कैपिलरी का डिजाइन है वो स्ट्रेट होता है, लेकिन जो क्लिनिकल उसके अंदर एक किंक होता है जो कि जो मरकरी को नीचे आने से रोकता है। मैंने आपको बताया था ऊपर आपने चैप्टर के अंदर आप देखा होगा कि जब मरकरी नीचे आने की कोशिश करता है तो किंक उसको रोक देता है, जब हम उसको जर्क करते हैं, उसको जब हम झटकाते हैं उसके बाद में वो मरकरी नीचे आता है। हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक प्लेस, की हीट का जो ट्रांसमिशन है वो किस तरह से होता है, किस तरह से जो हीट है वो ट्रांसफर होती है। इमेजिन योर टीचर हैज ए बास्केट फुल ऑफ टॉफी विच ही इंडीड टू डिस्ट्रीब्यूट अमोंग ऑल ऑफ यू इन द क्लास। की सपोज कीजिए, मानिए कि आपके टीचर के पास एक बास्केट भर के, एक टोकरी भर के टॉफियों की है, यानी कि एक टॉफियां भरी हुई है एक बास्केट के अंदर, एक टोकरी के अंदर। He intends to distribute among
ऑल ऑफ यू इन द क्लास, और वो आप सभी को पूरी क्लास में इनको बांटना चाहता है, सभी बच्चों के बीच इसको बांटना चाहता है। ही हैज थ्री ऑप्शंस, उनके पास थ्री ऑप्शन होंगे। ऑप्शन वन, पहला ऑप्शन क्या है, दैट ही गिव अ ट्रॉफी टू फर्स्ट बॉय एंड टेल हिम टू पास इट टू ऑन टू द नेक्स्ट बॉय एंड देन पास द नेक्स्ट बॉय एंड पास हिज ओन फर्दर। कि इसमें ये क्या करेंगे, पहला ऑप्शन इनके पास होगा कि एक लड़के को दे देंगे, उसको बोलेगा पीछे दे, फिर वो पीछे वाला लड़का वो अपने पीछे वाले को देगा, इसी तरह लास्ट बेंच तक वो ट्रॉफी है वो पहुंच जाएगी। इन दिस वे, इस वे में क्या होगा, ईच वन ऑफ यू विल रिसीव अ ट्रॉफी विदाउट एक्चुअली मूविंग फ्रॉम योर प्लेस। और इस प्लेस, इसके अंदर क्या होगा कि आप अपने स्थान से हिले बिना आप सभी के पास जो है वो ट्रॉफी है वो पहुंच जाएगी। ऑप्शन टू, उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा, He asks you to line up, कि वो आपको एक लाइन बनाने के लिए कहेंगे, कम टू द टेबल वन बाय वन, और उनकी टेबल के पास एक एक करके आने को कहेंगे। आफ्टर रिसीविंग योर शेयर मूव बैक टू योर सीट, कि अपनी ट्रॉफी, अपने हिस्से की जो ट्रॉफी है उसको लेकर अपनी सीट पर वापस जाने को कहेंगे। और ऑप्शन थ्री क्या होगा, He just throw all the trophies towards you without any movement of on your part, कि वो क्या करेंगे कि सारी ट्रॉफी है वो आपकी तरफ फेंक देंगे, वो ना ही अपने हिस्से से खुद हिलेंगे ना ही अपने आपको अपनी सीट से हिलाएंगे। तो ये तीन ऑप्शन हो गए, पहला तो हो गया पास करना, दूसरा हो गया लाइन बना के आना, तीसरा होता है थ्रो करना। मच द सेम वे, इसी प्रकार हीट एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, और इसी प्रकार जो हीट जो है, जो उष्मा जो है, वो भी हमारी जो हॉट बॉडी होती है उससे कोल्ड बॉडी की ओर ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ यू होल्ड अ स्टील स्पून ऑन अ ग्लास फ्लेम, कि मानिए कि आप एक एक स्टील की एक चम्मच है वो आप गैस के ऊपर आपने उसको रखा है, गैस फ्लेम के ऊपर आपने उसको रखा हुआ है। It will firstly get warm, कि सबसे पहले ये थोड़ी हल्की सी गर्म होगी, then hot and finally so hot, कि फिर ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, that you will not be able to hold it, और आप उसको पकड़े रखने में सक्षम नहीं होंगे, आप उसको हाथ भी नहीं लगा पाओगे, इतनी गर्म हो जाएगी। The heat energy has been transmitted through the spoon without the actual movement of the particles of the spoon, कि इसके अंदर क्या होगा, जो हीट एनर्जी है वो गैस फ्लेम से सीधी स्पून के अंदर आ गई, स्पून का हमने हिलाया भी नहीं, स्पून को सिर्फ इसके ऊपर रखा हुआ था, इसके कारण जो पूरी स्पून में है उसके पार्टिकल्स, उसके मोमेंट्स, जो उसके पार्टिकल्स जो है स्पून के, एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स है उनकी मूवमेंट के बिना जो हीट है वो ट्रांसफर होके पूरी स्पून के अंदर आ गई। सच ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज कॉल्ड कंडक्शन, और इस तरह से अगर जब हीट का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में बिना किसी मूवमेंट के, तब हम उसको बोलेंगे कंडक्शन। कंडक्शन यहाँ पे दिखाया हुआ किस तरह की, यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है, गैस बर्नर है ये नीचे, यहाँ पे कोई स्पून है या फिर कोई बड़ी स्पून ले लिया यहाँ पे, तो उसको गर्म किस तरह से होता है बताया गया है। इट रिसेंबल द ऑप्शन वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉफीज, की जो पहला ऑप्शन जो था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉफी का, उसी प्रकार से होता है कि यहाँ पे ना ही टीचर मूव करता है ना ही स्टूडेंट मूव करता है, उसी तरह यहाँ पे जो गैस भी मूव नहीं कर रहा है और जो स्पून है वो भी मूव नहीं करती। अब आता है लेट्स टेक एन अदर एग्जाम्पल, आइए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। टेक अ बीकर, एक बीकर लीजिए, एंड इन इट पुट स्मॉल बिट्स ऑफ फिल्टर पेपर सोक्ड इन वाटर, कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर जो हमारे छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं फिल्टर पेपर के और उनको पानी के अंदर भिगो देना है। फिल हाफ ऑफ द बीकर विद द वाटर, और जो बीकर है उसको आधे से ज्यादा पानी से भर लेना है, लगभग आधा भरना है आपको। प्लेस द बीकर ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड एंड हीट इट विद अ स्पिरिट लैम्प, कि आपको जो ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ट्राइपॉड स्टैंड यानी कि स्टैंड होता है एक नॉर्मली, मान लीजिए जिसके नॉर्मल जो स्टैंड होते हैं उनके चार पांव होते हैं, इसके अंदर तीन होते हैं, तो उसको एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आपको प्लेस करना है और आपको स्पिरिट लैंप की मदद से उसको गर्म करना है। इट सीम दैट सोक्ड पेपर फिल्टर पेपर बिट्स राइज टू टॉप ऑफ द वाटर मूव साइडवेज एंड कम डाउन अगेन, कि आपको क्या महसूस होगा, आप देखेंगे कि जो सोक्ड फिल्टर पेपर जो थे पानी में हमने भिगोए थे वो पहले तो ऊपर आएंगे पानी के, उसके बाद में इधर उधर थोड़े से मूव करेंगे और वापस पानी में जाकर बैठ जाएंगे। Also the water get heated, और जो पानी है वो भी गर्म हो जाएगा। Such transmission of heat is called convection, और इस जो transmission of heat है, ऊर्जा का जो स्थानांतरण है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का, यानी कि वो spirit lamp से लेकर उसके water तक जाने का जो है, इसके पानी के अंदर move करने के कारण होता है, हमने मैंने बताया जो दूसरा example है trophy वाला, उसी तरह का होता है ये, और जो इसको हम कहते हैं convection, इसको हम convection के नाम से जानते हैं। अब आता है बच्चों तीसरा, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लीजिए। इमेजिन दैट इट इज अ वेरी कोल्ड नाइट,
एक सपोज कीजिए, अनुमान एक बार अंदाजा लगाइए कि आप कोई रात में है और वो रात बहुत ही ज्यादा ठंडी है, उसमें बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है आपको। यू हैव स्विच्ड ऑन द रूम योर रूम हीटर, आपने अपने जो रूम का जो हीटर है उसको स्विच ऑन कर दिया, उसको ऑन कर दिया। यू फील वार्म व्हाइल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इट, आप उसके सामने जब तक बैठोगे आपको गर्म महसूस होगा। हाउएवर इफ यू प्लेस अ कार्डबोर्ड बिटवीन योर सेल्फ एंड द हीटर यू डू नॉट फील द हीट, और जब आप अपने और एक हीटर के बीच में या कोई बड़ी सी चीज रख देते हैं, जैसे कार्डबोर्ड हो गया या फिर कोई अलमारी रख दी छोटी बहुत, या फिर कोई ड्रेसिंग हो गया, टेबल होगी या फिर चेयर रख दी आपने, तो आप उतनी हीट महसूस नहीं होगी। और आपने कोई बड़ी चीज रख दी तो आपको बिल्कुल भी हीट नहीं होगी महसूस, आपको सिर्फ ठंडी लगेगी। इट मीन्स, इसका मतलब द हीट एनर्जी इज डायरेक्टली रीचिंग यू विदाउट हीटिंग द एयर मच द सेम वे एज अ ट्रॉफी डायरेक्टली रीच यू इन द थर्ड ऑप्शन, कि जैसे थर्ड ऑप्शन में आपके पास ट्रॉफी सीधी फेंक कर आ गई थी, उसी तरह जो हीट है हीटर से आप तक डायरेक्ट आती है, वो हवा को गर्म नहीं करती, वो सीधी आप तक पहुंचती है, यानी कि उसकी डायरेक्शन है वो आपकी साइड होती है, वो आपको गर्म करती है, हवा को गर्म नहीं करती। और जैसे ही आपके और हीटर के बीच में कोई चीज आ जाती है तो वो आपको फिर से ठंडा करने शुरू कर देती है, जो बाहर की हवा है वो आपको ठंडा महसूस कराती है। सच ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज कॉल्ड रेडिएशन, और हीट ट्रांसमिशन का, हीट के स्थानांतरण का ऐसा रूप हम इसको बोलते हैं रेडिएशन। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया फिगर 4.11 में, यहाँ पर जो जैसे कि अर्थ मूव करती है अपनी एक्सिस के ऊपर, जैसे ही ये मूव करके सूर्य की साइड में आएगी तो एक हिस्सा है वो इसका गर्म हो जाएगा, और जैसे ही ये मूव करके अपोजिट साइड में जाएगी तब दूसरा हिस्सा गर्म हो जाएगा। लेकिन इस हिस्सा, जब एक हिस्सा गर्म रहेगा तब उस समय दूसरा हिस्सा ठंडा रहेगा, और जब ये हिस्सा गर्म रहेगा तब दूसरा हिस्सा ठंडा रहेगा। तो इस तरह से इसका जो सिस्टम है वो चलता रहता है, और ये एक रेडिएशन का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो हम चलते हैं बच्चों आगे, अब नेक्स्ट पेज पे कंडक्शन के बारे में इसकी अच्छे से और पढ़ लें, इसमें क्या डेफिनेशन है, क्या जो चीजें हैं उनके बारे में। हीट ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड बाय कंडक्शन ओनली, कि जो हीट है वो सॉलिड के अंदर सिर्फ कंडक्शन की प्रोसेस द्वारा ट्रांसफर की जा सकती है, उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं या ट्रेवल करा सकते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीटिंग बाय कंडक्शन, कि जो नीचे एक्टिविटी दी गई है उनकी मदद से आप देख सकते हैं कि जो कंडक्शन है जो वो हीट के द्वारा किस तरह से, जो कंडक्शन के द्वारा जो हीट है वो किस तरह से ट्रांसमिट होती है, किस तरह से उसका ट्रांसमिशन होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन सॉलिड विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर पोजीशन इज कॉल्ड कंडक्शन, कि सॉलिड्स के अंदर जो ठोस जो होते हैं उनके अंदर हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन होना, एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में जाना उनके पार्टिकल्स की मूवमेंट के बिना, विदाउट उनके जो पार्टिकल्स है, जो कण है उनकी अपनी जो पोजीशन है उनसे, वो बिना हिले जब हीट रिसीव कर लेते हैं, गर्म हो जाते हैं, तब उस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं। एक्टिविटी 3 यहाँ पे शो की गई है, टू शो दैट हीट ट्रेवल्स थ्रू मेटल बाय कंडक्शन, की हीट है वो मेटल के द्वारा, मेटल के अंदर किस तरह से ट्रांसफर होती है कंडक्शन द्वारा, तो वो बताया गया है मटेरियल क्या क्या चाहिए, ए थिन मेटेलिक स्ट्रिप और रोड, कि आपको एक पतली मेटेलिक स्ट्रिप चाहिए या रोड चाहिएगी, नेल्स यानी कि कीले चाहिएगी, वैक्स यानी कि मोम चाहिएगा, और आयरन का एक स्टैंड चाहिएगा। प्रोसीड्यूर विधि क्या क्या है, टेक ए लॉन्ग स्ट्रिप, लॉन्ग थिन मेटेलिक रोड, कि आपको एक लंबी पतली मेटल की एक रोड लेनी है, फिक्स फ्यू नेल्स ऑन द स्ट्रिप एट इक्वल गैप्स विद द हेल्प ऑफ वैक्स और एंड क्लैप द स्ट्रिप बिटवीन और रोड एज शोन इन द फिगर बिटवीन अलोंग साइड, कि यहाँ पे जो फिगर दिखाई गया दो ईंट के बीच में, आप किन्नी भी दो चीजों के बीच में उस जो रोड है उसको लगा दीजिए, और जो मोम है उसकी मदद से जो जितनी भी आप एक फिक्स गैप के साथ में जो कीले जो मैंने आपको बताई, जो नेल्स जो है उनको आप चिपका दीजिए, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे फिक्स गैप के साथ जो कीले हैं वो चिपकाई हुई है, चिपकाने के लिए यहाँ पर वैक्स की मदद ली गई है और यहाँ पे ईंट की मदद से इसको होल्ड किया हुआ है। नाउ प्लेस अ बर्नर और स्पिरिट लैंप बिलो द फ्री एंड ऑफ स्ट्रिप, कि जो दूसरा हिस्सा है, एक तो यहाँ पे टाइड होगा जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, जो दूसरा हिस्सा है उसके नीचे या तो आप मोमबत्ती रख दीजिए या फिर कोई बर्नर रख दीजिए उसके जस्ट नीचे। नोट डाउन द ऑर्डर इन विच नेल्स बिगन टू ड्रॉप, कि आप एक ऑर्डर देखिए कि किस तरह से नेल है वो नीचे गिरेगी, कि जैसे ही वो गर्म होना शुरू होगा, गर्म होने के साथ साथ जो वैक्स है वो पिघलेगा, और वैक्स के पिघलते जो नेल्स है, जो कीले हैं वो नीचे पड़ेगी, तो आप देखेंगे द नेल नियरेस्ट टू द फ्लेम ड्रॉप फर्स्ट देन नेक्स्ट एंड फाइनली द फार्दरेस्ट फ्रॉम द फ्लेम, कि आप देखेंगे जो फ्लेम के पास में जो नेल है, जो कील है, वो सबसे पहले पड़ेगी, उसके बाद नेक्स्ट, इस तरह से जो सबसे लास्ट में जो है, जो फ्लेम से सबसे दूर है वो सबसे लास्ट में पड़ेगी। दिस हैपन बिकॉज द हीट ट्रेवल ग्रेजुअली फ्रॉम द हॉट एंड
ऑफ मेटेलिक स्ट्रिप द नेल्स फॉल डाउन वन बाय वन। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो हीट है वो धीरे धीरे ट्रेवल करती है एक मतलब पूरे ऑब्जेक्ट में फैलने के लिए, वो थोड़ा टाइम लगाती है। जैसे ही पहला एक साइड गर्म हुआ वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, गर्म होता जाएगा और जो नेक्स्ट एंड है वो गर्म होने तक मतलब धीरे धीरे जो बारी बारी जो नेल्स है वो एक एक करके ड्रॉप होती रहेगी। द ग्रेजुअल फ्लो ऑफ हीट इन सॉलिड फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। कि सॉलिड के अंदर हीट का जो धीरे धीरे फ्लो होना है, जो ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, तो ग्रेजुअल जो फ्लो होता है हीट का सॉलिड के अंदर, उसके एक गर्म हिस्से से लेकर दूसरे मतलब जो हैंड है एंड है उसका जो ठंडा हिस्सा है उस तक, यानी कि जो एक गर्म हिस्सा तब तक गर्म रहेगा, उसको जो एक एंड गर्म रहेगा वो धीरे धीरे उसमें से हीट ट्रांसफर होगी, धीरे धीरे हीट जो है ग्रेजुअली फ्लो करेगी उसके अंदर, और दूसरा हिस्सा जब गर्म होगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडक्शन ऑफ हीट। Thus, the activity clearly explains the heat travel only through solids by conduction. कि ये जो एक्टिविटी हमने पढ़ी वो बताती है कि जो हीट है वो सॉलिड्स के अंदर सिर्फ कंडक्शन द्वारा ही फ्लो हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्शन, कि कंडक्शन की एक्सप्लेनेशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करते हैं। इन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड। कि जो सॉलिड इन पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, वो बहुत ही क्लोजली यानी कि बहुत ही पास पास पैक किए होते हैं। दे कैन ओनली वाइब्रेट थ्रू देयर मेन पोजिशन। कि वो जो उनकी मूल अवस्था होती है, जो उनकी एक फिक्स पोजिशन होती है, उनसे सिर्फ वो वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते। वाइल द एंड ऑफ द मेटेलिक ब्लॉक और स्ट्रिप इज हीटेड, द पार्टिकल एट द एंड एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर रैपिडली। कि जैसे ही मतलब एक साइड को हम गर्म करते हैं, मेटेलिक स्ट्रिप की या मेटेलिक रोड की एक साइड को हम गर्म करते हैं, एक एंड को हम गर्म करते हैं, तो पार्टिकल्स जो उस एंड पे मौजूद होते हैं वो एनर्जी को सोख लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करना है वो शुरू कर देते हैं। दीज रैपिडली वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स कोलाइड विद देयर नेबर एंड ट्रांसपोर्ट ए पार्ट ऑफ हीट एनर्जी टू देम। कि जैसे ही वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, कंपन करना शुरू कर देते हैं, तो जो कंपन करने के दौरान उनके पास में जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे वो टकरा जाते हैं, और जैसे ही वो टकराते हैं उनसे जो थोड़ी सी हीट एनर्जी है, जो हीट एनर्जी उनके अंदर होती है, वो दूसरे के अंदर जो दूसरे उनके नेबर्स हैं उनके अंदर, जो नेबर पार्टिकल है उनके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। एज ए रिजल्ट के तौर पर दीज पार्टिकल आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर रैपिडली एंड इन टर्न कॉज देयर नेबर टू वाइब्रेट मोर रैपिडली। इस तरह से जो उनके पार्टिकल जिनसे वो टकराए उनमें भी हीट आ जाती है, वो भी तेजी से रैपिडली तेजी से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, फिर वो अपने नेबर से टकराते हैं, फिर वो और ज्यादा रैपिडली जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर जाते हैं, और इस तरह जो पूरी रोड है आखिर के अंदर, या पूरे कोई ब्लॉक है या कोई स्ट्रिप है, वो पूरी तरह से गर्म होनी शुरू हो जाती है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द लास्ट पार्टिकल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेट मोर रैपिडली। ये प्रोसेस तब तक चलती है जब स्ट्रिप का, ब्लॉक का या फिर कोई रोड का जो लास्ट पार्टिकल जो होता है, अंतिम जो कण होता है, वो जब तक उसके ऊपर जब तक कोलिजन नहीं होता, जब तक वो कोलाइड नहीं करता, जब तक उसके ऊपर कोई पार्टिकल नहीं टकराता और वो वाइब्रेट नहीं करना शुरू कर देता, तब तक ये प्रोसेस शुरू होती है, चलती रहती है। जैसे ही उसके ऊपर वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, जस्ट द हीट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल थ्रू द होल लेंथ ऑफ द स्ट्रिप ऑफ द ब्लॉक। कि इसके अंदर क्या होगा, फिर जैसे ही लास्ट पार्टिकल कंपन करना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हीट एनर्जी है वो पार्टिकल्स के रूप में पार्टिकल टू पार्टिकल ऐसे होके पूरी जो स्ट्रिप है, पूरी जो ब्लॉक है या पूरा जो रोड है उसके अंदर फैल जाती है। द प्रोसेस of conduction may be considered similarly to passing a topic from student to student in the क्लासरूम। कि जैसा हमने एग्जांपल पढ़ा कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट जैसे हम टॉफी बांटते हैं क्लासरूम के अंदर, उसी एग्जांपल के द्वारा हम प्रोसेस ऑफ कंडक्शन को भी समझ सकते हैं, उसको उसी तरह से मान सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट यानी कि कंडक्टर्स यानी कि अच्छे चालक जो हीट को अपने अंदर से फ्लो करने के लिए इजाजत देते हैं, उसको हेल्प करते हैं, यानी कि द सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। यानी कि ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से जो हीट एनर्जी है उसको आसानी से फ्लो करने की इजाजत दे दे, उसको अलो कर दे अपने से फ्लो होने की, उनको हम गुड कंडक्टर या फिर सुचालक बोलेंगे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जितने भी मेटल्स है वो हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। हाउएवर इवन अमंगस्ट द मेटल सम आर बेटर कंडक्टर देन अदर। कि इसके अलावा जो मेटल्स जो है उनके अंदर भी कई मेटल्स होते हैं जो
मतलब अदर मेटल से भी ज्यादा बेटर कंडक्टर होते हैं, कई बेस्ट कंडक्टर होते हैं, कई गुड कंडक्टर होते हैं, इसका इस तरह से आप समझ सकते हैं। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन स्टॉप वंस टू ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट हैड अटेन्ड द सेम टेम्परेचर। कि जो प्रोसेस ऑफ जो एक चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो क्या है कि कंडक्शन की जो प्रोसेस कब स्टॉप होगी बच्चों, कब रुकेगी, जब एक रोड मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि कोई दो ऑब्जेक्ट है या फिर कोई एक रोड मान लीजिए आप नॉर्मली, उसके दोनों एंड का टेम्परेचर तब तक सेम नहीं हो जाता, जब तक उसका जो टेम्परेचर सेम नहीं होगा तब तक हीट फ्लो नहीं रुकेगा, तब तक प्रोसेस ऑफ कंडक्शन नहीं रुकेगी। जैसे ही दोनों एंड का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा उसी दौरान जो प्रोसेस ऑफ कंडक्शन है वो रुक जाएगी। देर आर टू मोर इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय कंडक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो एनर्जी, हीट एनर्जी का ट्रांसफर है कंडक्शन के द्वारा, उनके लिए दो और महत्वपूर्ण शर्तें हैं, वो कौन कौन सी है। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन कॉन्टेक्ट विद वन अनदर। कि दोनों ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के संपर्क में होने चाहिए, एक दूसरे के साथ में कॉन्टेक्ट में होने चाहिए। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। कि दोनों जो ऑब्जेक्ट आपने लिए हैं उन दोनों का टेम्परेचर है वो अलग अलग होना चाहिए, या फिर मान सकते हैं कि एक गर्म है तो दूसरा ठंडा होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि प्रोसेस ऑफ कंडक्शन है वो किस तरह से होती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गुड कंडक्टर। की जो गुड कंडक्टर होते हैं उनको हम जो नॉर्मली किस तरह से यूज में लेते हैं, उनकी एप्लीकेशन, उनके अनुप्रयोग क्या क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। कुकिंग वेसल आर मेड ऑफ मेटल सो दैट दे इजिली अब्सॉर्ब द हीट एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू द फूड। कि जो कुकिंग के जो वेसल्स होते हैं, जो हम खाना पकाने के लिए बर्तन का उपयोग करते हैं, वो मेटल से बने हुए होते हैं। मेटल है वो हीट एनर्जी को जल्दी से अब्सॉर्ब कर लेता है और उसको फूड की ओर ट्रांसफर कर देता है ताकि हमारा खाना है वो जल्दी पक जाए। कूलिंग कॉइल्स ऑफ एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर आर मेड ऑफ कॉपर एज दे इजिली कंडक्ट हीट। कि जो कूलिंग कॉइल्स होती है जो एसी के अंदर होती है हमारी, और फ्रिज के अंदर जो होती है वो कॉपर से बनी हुई होती है, मेटल से बनी हुई होती है, ताकि उनके अंदर जो हीट का मतलब गर्मी ही नहीं बच्चों, हीट का मतलब है ऊष्मा, यानी कि कम ऊष्मा या ज्यादा ऊष्मा। कि इनके अंदर जो ठंडा जो है वो भी एक ऊष्मा ही है, जो ठंडा है उसमें भी ऊष्मा है, उसमें भी हीट है। तो जैसे जैसे जो जो कुकिंग जो कूलिंग जो कॉइल है वो इजिली है वो सारे फ्रिज को, एसी को, एसी से हमारे पूरे कमरे को ठंडा करने में मदद करती है। कॉपर ट्यूबिंग इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर एज इट इजिली टेक हीट फ्रॉम द हॉट वाटर कमिंग फ्रॉम द इंजन। कि जो कॉपर की जो एक ट्यूब होती है वो ऑटोमोबाइल में जो रेडिएटर्स होते हैं, रेडिएटर आप आगे पढ़ेंगे, रेडिएटर क्या होता है, क्या काम में लिया जाता है, आगे आप मैकेनिकल जब पार्ट पढ़ेंगे फिजिक्स का हमारी 11th और 12th क्लासेस के अंदर, तब आप इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। कि जो कॉपर की जो ट्यूबिंग होती है जो मोबाइल के रेडिएटर में, ऑटोमोबाइल जो हमारे साधन होगी उनके रेडिएटर के अंदर यूज में की जाती है, वो इंजन से जो गर्म पानी आता है उससे ऊष्मा को लेकर पूरे पार्ट्स को देती है, जहां पर आवश्यकता होती है उसको वहां तक पहुंचाती है। मर्करी इज यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड एज इट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मर्करी को हम थर्मोमीटर के अंदर, लिक्विड के अंदर इसलिए यूज में लेते हैं क्योंकि मर्करी है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इजीली मूव कर सकता है और एक हीट का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, एक बेस्ट कंडक्टर मान सकते हैं हम इनको। अब आता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट या फिर हीट इंसुलेटर, यानी कि हीट के बुरे कंडक्टर या फिर कुचालक जिसको हम बोलते हैं। द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ टू हीट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर। कि ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से हीट एनर्जी को इजीली पास नहीं होने देते, अपने अंदर से इजीली फ्लो नहीं होने देते, तो वो हीट के बुरे कंडक्टर, पुअर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर्स होते हैं। From the term heat insulator, we do not mean that the heat energy does not flow through them easily. कि flow through them, कि heat insulator word का meaning ये नहीं है बच्चों कि कोई भी substance वो अपने अंदर से heat pass ही ना होने दे, इसका मतलब है कि वो easily pass ना होने दे। Actually heat energy flow through them, असल में जो heat energy है वो उनके अंदर से चली जाती है, flow हो जाती है, pass हो जाती है, but at a very small rate as compared to good conductor. लेकिन उसकी जो फ्लो होने की जो टाइम है, जो दर है, वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होती है जो गुड कंडक्टर होते हैं, जो सुचालक होती है उनके तुलना में। ग्लास, माइका, एबोनाइट, कॉटन वूल, एब्जेस्टोज, पॉलीयूरेथेन, फोम आर कॉमनली नोन एज PUF, वुड, प्लास्टिक्स एटसेट्रा आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। की जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाए, PUF हो गया, एस्बेस्टोज हो गया, वूल, कॉटन, एबोनाइट, माइका,
ग्लास और ये जो चीजें हैं, ये वुड प्लास्टिक और ये है, ये हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। इन एडिशन टू ऑल, इनके साथ साथ ऑल लिक्विड, जितने भी लिक्विड है एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के, जो कि एक लिक्विड मेटल है, एक द्रव एक मेटल है, एकमात्र लिक्विड मेटल है बच्चों, याद रखना, लिक्विड मेटल के अंदर अगर नाम आएगा सिर्फ मरकरी, HG यानी कि मरकरी का ही आएगा, HG इसका सिंबल होता है। तो जितने भी लिक्विड है उस और जितनी भी गैसेज है वो सारी बैड कंडक्टर होती है हीट की, इंसुलेटर होती है हीट की, लेकिन सिर्फ जो हमारा मरकरी है वो गुड कंडक्टर होता है। अब आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीट इंसुलेटर, कि इनका हमें क्या क्या यूज पड़ता है, किस तरह से हम इनको यूज करते हैं। बैड कंडक्टर हेल्प अस टू एनर्जी कंजर्व एनर्जी इन ए सिस्टम, कि जो बैड कंडक्टर जो होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, वो पूरी सिस्टम की जो एनर्जी है उसको कंजर्व करने में, उसको सुरक्षित करने में, उसको बचाने में हेल्प करते हैं। ग्लास वूल, कॉटन, स्लैग, एस्बेस्टोस, एनक्लोज्ड एयर, वैक्यूम आर द कॉमन इंसुलेटिंग मटेरियल अवेलेबल, की जो इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में बताया गया है जो हमें ज्यादातर, हम ज्यादातर यूज में लेते हैं। फॉल्स सीलिंग इज प्रोवाइडेड इन द रूम दैट द स्पेस बिटवीन इज फिल्ड विद द एस्बेस्टोस और सो डस्ट एज सो टू कीप द रूम कूल, कि जो कमरा है उसको ठंडे रखने के लिए जो सीलिंग है वो एक नकली सीलिंग लगाई जाती है, और जो असली और जो नकली सीलिंग होती है उसके बीच में एक एस्बेस्टो फिल कर दिया जाता है या सो डस्ट को फिल कर दिया जाता है, जिसके कारण जो कमरा है वो ठंडा रहता है। सीलिंग होती है हमारी जो छत होती है, जैसे कि आप जहाँ पे पंखा आपका लटका हुआ होता है वो होता है असल में जो सीलिंग है वो। हमारे घर में तो ओरिजिनल मिलेगी, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि ओरिजिनल सीलिंग के कुछ नीचे एक नकली सीलिंग लगा दी जाती है, और उसके बीच का जो गैप होता है उसको एस्बेस्टो से भर दिया जाता है ताकि जो कमरा है वो ठंडा रहे। द रीजन बिहाइंड दिस दैट द वूल यूज्ड फॉर फॉल्स सीलिंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, कि जो फॉल्स सीलिंग लगाने के लिए वूल का उपयोग किया जाता है वो एक बैड कंडक्टर होती है हीट की, ताकि जो कमरा है वो जल्दी से गर्म नहीं हो पाता। एनिमल इन द कोल्ड कंट्रीज आर जनरली कवर्ड विद थिक फर, द फर ट्रैप अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर एंड एक्ट एज एन इंसुलेटर, कि जो जानवर होते हैं ठंडी जगहों पर या फिर ठंडे जो प्रदेश है, अंटार्कटिका जैसे हो गया हमारा, तो इन जगहों पर, आइसलैंड हो गया, अंटार्कटिका हो गया, इन जगहों पर, या फिर एग्जांपल और मान ले अमेरिका भी एक ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ पर जो जानवर होते हैं इनके जो बॉडी होती है वो थिक फर यानी कि मोटे बालों से ढकी हुई होती है, क्योंकि जो उनका जो मोटे बाल होते हैं वो हवा को अंदर जाने से रोक देते हैं और हीट को बाहर आने से रोक देते हैं, जिसके कारण वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। दस हीट जनरेटेड विद इन देम डज नॉट अलो डज नॉट फ्लो आउट एंड हेंस कीप देम वार्म, कि इसके कारण जो उनके अंदर जो उनकी बॉडी की जो हीट जनरेट होती है वो बाहर नहीं जाती और वो उनका जो शरीर है वो गर्म रहता है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। वी वियर वुलन क्लोथ इन विंटर बिकॉज वुलन यार्न फाइबर कंटेन फाइबर विच ट्रैप द एयर, कि हम गर्मियों के अंदर ऊनी कपड़े इसलिए, सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं, वो क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो ऊनी ऊन जो होती है, जो उनके जो धागे होते हैं, जो उनके रेशे होते हैं, वो हवा को बाहर ही रोक देते हैं। सिंस द एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि जो हवा है वो बैड कंडक्टर होती है हीट की, इट डज नॉट अलो द बॉडी हीट टू फ्लो आउटवर्ड, कि ये जो हमारी बॉडी की हीट है उसको बाहर जाने से रोक देती है। एज अवर बॉडी स्टॉप लूजिंग हीट वी फॉल वी फील वार्म, कि जैसे ही हमारी बॉडी से हीट निकलना बाहर हीट बाहर निकलना बंद हो जाएगी, हमें गर्म होना गर्म लगना महसूस हो जाएगा। मड हाउस आर विथ थैस्ड रूफ केप्ट कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर एज कम्पेयर टू द कंसेंट्रेटेड हाउसेज, कि कई हमारे पक्के घर होते हैं उनकी जो तुलना में जो कच्चे घर होते हैं जिनकी कच्ची छतें होती है वो गर्मियों के अंदर ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज थैस्ड रूफ कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड एयर, कि जो कच्ची जो छत होती है उनके अंदर जो हवा है वो बिल्कुल एकदम बंद जाती है, ट्रैप हो जाती है, एक बाध्य हो जाती है उसके अंदर, जिसके कारण जो हीट है वो गर्मियों के अंदर उसके अंदर नहीं जाती और सर्दियों के अंदर जो बाहर की जो ठंडी हवा है वो भी उसके अंदर नहीं जा पाती। सिमिलरली मड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और इसके अलावा जो मड है जिससे वो घर बनते हैं, जैसे हमारे मड वैसे तो कीचड़ होता है लेकिन यहाँ पे कीचड़ नहीं होगा, जो कच्चे घर बनाते हैं उनका अलग मटेरियल होता है मिट्टी वगैरह मिलाकर, तो वो है वो भी एक हीट का बैड कंडक्टर होता है। हेंस इन समर हीट फ्रॉम द आउटसाइड डज नॉट अलाउ टू फ्लो इन एंड इन विंटर हीट फ्रॉम इनसाइड डज नॉट अलाउ टू फ्लो आउट, इसलिए जो गर्मियों के अंदर जो बाहर की गर्मी होती है वो अंदर नहीं आ पाती और जो सर्दियों के अंदर जो अंदर की गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाती। दस इसलिए दे रिमेन कूल इन समर, वो सर्दियों में ठंडे रहते हैं, एंड वार्म इन विंटर, गर्मियों में सॉरी सर्दियों में गर्म रहते हैं। इन कोल्ड कंट्रीज के अंदर जो ठंडे प्रदेश है वहां पर डबल ग्लास विंडो
पेन आर यूज, डबल ग्लास विंडो पेन यूज की जाती है, इनकी विंडोज होती है, खिड़कियां होती है, उनमें डबल ग्लास का यूज किया जाता है, लिविंग ए गैप, उनके जो दो ग्लास लगाए जाते हैं, डबल ग्लास लगाए जाते हैं, उनके बीच में गैप होता है जो कि हवा से भर दिया जाता है। द ट्रैप्ड एयर एक्ट एज एन इंसुलेटर, जो ट्रैप्ड जो फंसी हुई जो हवा है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है एंड डज नॉट अलो द हीट फ्रॉम द रूम टू फ्लो आउट, और जो हीट होती है उनके अंदर जो रूम के अंदर उसको बाहर जाने से रोकती है। दस द रूम कीप्स वार्म, जिसके कारण जो कमरा है वो गर्म रहता है। बर्ड्स पफ देयर फेदर इन विंटर बिकॉज इन डूइंग सो दे ट्रैप अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर विच टर्न एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ देयर बॉडी टू बॉडी हीट टू फ्लो आउट, कि जो जो पक्षी है वो सर्दियों के अंदर अपने जो उन जो फीडर्स है जो अपने पंख है उनको पफ कर देते हैं, मतलब एकदम बांध लेते हैं, ताकि जो एक बड़ी अमाउंट ऑफ एयर है, जो हवा की एक बड़ी सारी मात्रा है, वो एक साथ अपने पास में उनको रख लें, जो कि एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगी, जो उनकी जो बॉडी की जो हीट है उसको बाहर जाने से रोकेगी और बाहर की जो सर्दी है वो भी अंदर नहीं आ पाएगी। अप्लायंसेज लाइक इलेक्ट्रिकल केटल, इलेक्ट्रिकल आयरन, इलेक्ट्रिकल ओवन, सोल्डरिंग रोड्स, कुकिंग पैन्स आर प्रोवाइडेड विद द वुडन और प्लास्टिक हैंडल बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, कि हमारे अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल केटल्स हो गई, आयरन हो गई, ओवन हो गया, या फिर जो हमारे पैन यानी कि जो फ्राई पैन हो गया, या फिर कोई भी हम मान ले नॉर्मली कोई बर्तन हो गया जिसका जो हैंडल होता है उनको हम देखते हैं कि बच्चों जो कुकर हो गया तो इस टाइप उनके जो हैंडल जो होते हैं बच्चों वो आप देखेंगे या तो प्लास्टिक से बने हुए होंगे या फिर लकड़ी के बने हुए होंगे, क्योंकि ये दोनों ही है वो हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। हेंस द हीट फ्लो फ्रॉम द हॉट अप्लायंसेज डज नॉट अलाउ टू फ्लो द हैंड फ्लो टू द हैंडल विद द रिजल्ट दैट वी कैन हैंडल वी कैन होल्ड देम इजीली, कि जो हीट होती है वो हॉट अप्लायंसेज जो उनका पैन जो नीचे का हिस्सा जो गर्म होता है वो फ्लो होकर हैंडल्स तक नहीं पहुंच जाती, क्योंकि जो हैंडल्स है वो इंसुलेटर से बनते हैं ताकि हम उनको इजीली आसानी से पकड़ सकें। अगर बर्तन गर्म है तो अगर मान लीजिए हमारा बर्तन गर्म है और हमारा जो हैंडल है वो लकड़ी या फिर प्लास्टिक का नहीं है या फिर सीधा मतलब मेटल का है तो हम उसको इजीली हाथ नहीं लगा सकते, इजीली क्या हम हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ ही जल जाएगा, लेकिन उसके जो हैंडल है उनको प्लास्टिक का बना दिया जाता है जिसके कारण हम उनको गर्म होने पर भी आसानी से उठा सकते हैं, उनको होल्ड कर सकते हैं। स्लैब ऑफ आइस आर कवर्ड विद सो डस्ट और गनी बैग्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम मेल्टिंग, कि जो स्लैब आइस के बड़े बड़े टुकड़े हैं जो सिल्लियां होती है, स्लैब का मतलब सिल्लियां हो गई, जो बर्फ की सिल्लियां होती है उनको सो डस्ट से या फिर गनी बैग्स जो होती है बोरियों के अंदर, बोरियां उनके ऊपर ढककर रख दी जाती है ताकि वो मेल्ट ना हो पाए। सो डस्ट और जो गनी बैग्स होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड एयर, उनके अंदर जो हवा होती है वो फंस जाती है बड़ी सारी अमाउंट के अंदर, जो कि फिर से इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगी एंड डज नॉट अलो आउटसाइड हीट टू रीच द आइस, कि जो बाहर की जो गर्मी है वो आइस तक नहीं पहुंच पाती जिसके कारण, और इसके इसके मदद से जो आइस की जो सिल्ली है वो जल्दी से पिघलती भी नहीं है। अब आता है एक्टिविटी नंबर 4 क्या है यहाँ पर, टू प्रूव दैट द वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, की हमें प्रूव करना है कि वाटर है वो हीट का बैड कंडक्टर या इंसुलेटर होता है। मटेरियल क्या क्या चाहिएगा, टेस्ट ट्यूब चाहिएगा, आइस वायर का एक गोद चाहिएगा और आयरन स्टैंड चाहिएगा और एक बंसन बर्नर चाहिएगा। टेक अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब एंड इन इट ड्रॉप ए टीनी पीस ऑफ आइस, कि आपको एक ग्लास की टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसके अंदर जो आइस के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो ड्रॉप करना है। रैप इन ए कॉपर वायर गोज, जो कि एक कॉपर के वायर गोज के अंदर, यानी कि वायर के एक छोटे मतलब अलग तरीके का होता है ये सिस्टम जो है उनके अंदर जो टीनी पीस जो आइस है उनको आपको रैप कर देना है अच्छे से। फिल 3/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद, कि जो 75% जो टेस्ट ट्यूब है उसको आपको किससे फिल करना है, आइस कोल्ड वाटर से प्रूव कर जो है उसको फील करना है, उसको भर देना है। एंड क्लैंप इट इन आयरन स्टैंड एज शोन इन फिगर, क्यों, और उसके बाद में उसको आयरन स्टैंड से है वो अटका देना है जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। हीट द टेस्ट ट्यूब नियर इट्स माउथ विद द हेल्प ऑफ द बर्नर, की बर्नर की मदद से उसका जो टेस्ट ट्यूब का जो मुंह है बाहर की साइड का जो हिस्सा उसको गर्म कीजिए। इट विल ऑब्जर्व दैट इन फ्यू मोमेंट द वाटर नियर द टॉप स्टार्ट बॉइलिंग एंड स्टीम इज गिवन ऑफ फ्रीली, कि आप देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास में जो पानी है ऊपर ऊपर का वो उबलना शुरू हो जाएगा और उसमें से जो भाप है वो निकलनी शुरू हो जाएगी। हाउएवर इसलिए द आइस इज प्लेस्ड बिलो डज नॉट मेल्ट, लेकिन जो नीचे जो आइस है वो पिघलेगी नहीं। दिस शो दैट द वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और ये दर्शाता है कि जो पानी है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है।
एज हीट सप्लाई टू द वाटर इज अनेबल टू मेल्ट द बॉय मेल्ट द आइस, इसलिए जो हीट हमने प्रोवाइड की पानी को उसके कारण भी जो हमारी आइस है वो पिघली नहीं। आइस कोल्ड वाटर इज यूज टू प्रिवेंट द आइस फ्रॉम मेल्टिंग बाय टेकिंग हीट फ्रॉम द वाटर और द सराउंडिंग, कि जो आइस कोल्ड जो पानी था, तो बिल्कुल ठंडा पानी था, उसने मदद की हमारी, उसकी आइस की मदद की ताकि वो पिघल ना सके। वो उसने क्या किया, जो हमने गर्म किया पानी को, उसने सारी हीट आइस कोल्ड वाटर ने अपने अंदर सोख ली और बाहर की जो हीट है वो भी अपने अंदर सोख ली और जो नीचे की जो आइस है वो उसको पिघलने से बचा लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, कन्वेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। When the liquid and the gases are heated, जब लिक्विड और गैस को गर्म किया जाता है, the heat is carried out from the one part to another by the actual movement of the hot particle, कि जो हीट है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर मूव कर जाती है उनके पार्टिकल्स के मूवमेंट के साथ, जो हॉट पार्टिकल्स है, जो गर्म पार्टिकल्स है उनकी एक्चुअल मूवमेंट के साथ। कन्वेक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता, लेकिन कन्वेक्शन के अंदर पार्टिकल मूव करते हैं। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, कि एक ही सब्सटेंस के अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण उनके पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो उनके कारण हीट ट्रांसफर होना हम कन्वेक्शन बोलेंगे। यानी कि कोई भी एक सेम सब्सटेंस मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए लिक्विड और सॉलिड के अंदर, लिक्विड और गैस के अंदर कोई भी मान लीजिए एक सब्सटेंस है, उसके दो पार्ट्स का अलग अलग टेम्परेचर है, तो उसके अंदर अगर हम उनका जो मूवमेंट अलग अलग जो टेम्परेचर है वो सेम होने के लिए उसमें से हीट ट्रांसफर होगी और वो उसके अंदर क्या होगा, उनके पार्टिकल्स है वो असल में मूव करेंगे, कंडक्शन में वो मूव नहीं करते। कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस इन लिक्विड, जो कंडक्शन है वो लिक्विड के अंदर, लिक्विड एंड गैस ओनली, कि जो कंडक्शन है वो सिर्फ लिक्विड और गैसेज के अंदर होता है। वेयर द पार्टिकल आर फ्री टू मूव अबाउट, कि जिनके अंदर जो पार्टिकल्स है वो इजिली मूव कर सकते हैं। ऐसा ही आपको मैं बता देता हूँ कि जो कंडक्शन ही है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है, कंडक्शन सॉरी नहीं, लिक्विड और गैस है उनके अंदर पार्टिकल इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स है वो अपनी पोजीशन से मूव बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक्सेप्शन इज मर्करी विच गेट हीटेड बाय कंडक्शन एंड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन मर्करी मैंने आपको बताया था मेटल होता है जो कि सिर्फ कंडक्शन द्वारा हीट किया जा सकता है और जो है वो हीट का गुड कंडक्टर होता है, इसलिए मर्करी इसका एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अब हम पढ़ते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आर हेल्ड स्ट्रॉन्गली ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कि जो सॉलिड जो होते हैं, जो ठोस जो होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स है, जो अणु है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली बांधे हुए होते हैं उनके इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के कारण, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होते हैं उनके कारण। एज दीज मॉलिक्यूल कैन नॉट ट्रेवल टू द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सॉलिड, क्योंकि जो इनके जो मॉलिक्यूल्स है सॉलिड के, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर सकते। सॉलिड जो है उनके पार्टिकल्स है वो मूव करके हीट एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए कन्वेक्शन है वो सॉलिड के अंदर नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉलिड के अंदर जो कन्वेक्शन है वो क्यों नहीं हो सकता, तो उसका जो आंसर है वो यही होगा कि उनके जो पार्टिकल है वो मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, बांधे हुए होते हैं, किसके कारण होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के कारण होते हैं। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन इन कन्वेक्शन करंट इन गैसेस, कि एप्लीकेशन इसके प्रयोग क्या क्या है कन्वेक्शन करंट के गैसेस के रूप में, क्या क्या इनके प्रयोग है। वेंटिलेशन इन रूम, कि रूम के अंदर वेंटिलेशन करने के लिए, द प्रोसेस बाय विच इन प्योर एंड वार्म एयर इनसाइड अ रूम इज कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड वेंटिलेशन, कि कमरे के अंदर की जो इम्प्योर यानी कि जो गंदी हवा और जो गर्म हवा है उसको बाहर निकाल कर और उसको अच्छी हवा या बाहर की जो फ्रेश हवा है उससे रिप्लेस करने की जो प्रोसेस है उसको हम वेंटिलेशन बोलते हैं। वार्म एयर बिकम बीइंग लाइटर, जो गर्म हवा होती है वो ठंडी वजनदार नहीं होती, बिल्कुल लाइट होती है, राइज अप ऊपर उठती है एंड लीव द रूम थ्रू द वेंटिलेटर्स प्रोवाइडेड, वो हवा में ऊपर जाने के बाद में, जो गर्म हवा है वो ऊपर जाने के बाद में वेंटिलेटर जो हम घर में लगाते हैं प्रोवाइडेड नियर द सीलिंग, सीलिंग के पास में लगाते हैं, उनके थ्रू घर से जो रूम है उससे बाहर निकल जाती है और द फ्रेश एयर इज फिल्ड इन द रूम बाय द डोर और द विंडो, और जो कमरे के अंदर जो खिड़कियां और जो दरवाजे होते हैं उनकी मदद से जो फ्रेश एयर है बाहर की वो लगातार अंदर आती रहती है। द कन्वेक्शन करंट इज सो सेटअप, जो कन्वेक्शन करंट है वो इसी तरह से सेट किया जाता है, प्रोवाइड्स
ए कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर इन रूम, जो कि हमारे जो कमरे हैं उसके अंदर लगातार जो है फ्रेश एयर है वो प्रोवाइड करता रहता है। यहाँ पे दिखाया गया है वेंटिलेशन किस तरह से होता है कि यहाँ पे सीलिंग के पास में एक वो लगाया गया है, वेंटिलेटर मशीन लगाई हुई है जिसकी मदद से जो वार्म एयर है वो बाहर निकलती है, और जो यहाँ से भी लगाया गया है यहाँ से भी वार्म एयर बाहर निकलती है। लेकिन जो यहाँ पे खिड़कियां हैं या फिर ये खिड़कियां हो गई, ये दरवाजा हो गया, यहाँ से जो है ठंडी हवा है, जो फ्रेश एयर है वो अंदर आती रहती है। अब आता है लैंड एंड सी ब्रीज के बारे में पढ़ते हैं। लैंड एंड सी ब्रीज जो है वो एक्चुअली में एक कन्वेक्शन करंट ही है। ड्यूरिंग द डे सनशाइन इक्वली ऑन द लैंड एंड द सी, जो दिन के दौरान जो सूरज है वो पृथ्वी यानी कि हमारी जो धरती है पृथ्वी के ऊपर उस पर, और जो समुद्र है उस पर बराबर है वो शाइन करता है, उसके ऊपर बराबर गर्मी पड़ती है दोनों पर। हाउ द लैंड वार्म अप मोर क्विकली देन द सी, और लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारी जो भूमि है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है लेकिन समुद्र जल्दी से गर्म नहीं होता। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजर अपवर्ड, और जो जो हमारी लैंड गर्म होने के कारण उसके ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है और वो है वो ऊपर की ओर बढ़ने लग जाती है। दिस रिजल्ट इन फॉल ऑफ प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ द लैंड, इसके कारण जो जो भूमि होती है उसके ऊपर का जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। टू टेक इट्स प्लेस, उसकी प्लेस लेने के लिए जो कोल्डर एयर है फ्रॉम सी मूव्स इन, कि जो समुद्र की जो ठंडी हवा आती है समुद्र की ओर से वो उसका स्थान लेने के लिए मूव करती है। द एयर दिस एयर करंट फ्रॉम द सी टू लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज, इसी तरह जो ठंडी हवा जो आकर और हमारी जो भूमि की जो समुद्र की ठंडी हवा आकर हमारी भूमि की गर्म हवा को रिप्लेस कर देती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सी ब्रिज। यानी कि सी ब्रिज आपको याद रखना है, जो कि यहाँ पे नीचे फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पे किस तरह से आता है बच्चों, कि ये समुद्र की ठंडी हवा आ रही है, यहाँ से जो जमीन की गर्म हवा है वो जा रही है, तो यहाँ पे दिखाया गया है। आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद में लैंड लूजेज हीट फास्टर देन द सी वाटर, जो भूमि है वो समुद्र के पानी से जल्दी ठंडी होती है। कारण एज ए रिजल्ट, इसके कारण क्या होगा कि एक रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, द एयर ओवर द सी इज बिकम वार्मर एट नाइट, कि जो समुद्र है जो सीज जो होते हैं उनकी जो उनके ऊपर जो हवा होती है उनके आसपास की जो हवा होती है वो गर्म होना शुरू हो जाती है और जो भूमि के ऊपर की जो हवा है वो ठंडी हो जाती है। द एयर ओवर द सी बींग वार्मर राइज अप एंड टू टेक इट्स प्लेस कूलर एयर ऑफ द लैंड कम्स इन एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सी, उसी तरह जैसे कि पिछली प्रोसेस में हुआ था उस तरह अब जो लैंड की जो ऊपर की हवा है वो ठंडी है और जो समुद्र के ऊपर की हवा है वो गर्म है, गर्म होने के कारण वो ऊपर की ओर मूव करती है। जैसे ही वो ऊपर की ओर मूव करती है उसकी प्लेस लेने के लिए जो जमीन की जो ठंडी हवा है वो समुद्र की ओर मूव कर जाती है। द कन्वेक्शन करंट फ्रॉम द लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, और जो कन्वेक्शन करंट होता है जो लैंड से सी की ओर हवा को ले जाता है, लैंड टू सी की ओर ले जाता है, तो उसको हम लैंड ब्रिज बोलते हैं। यानी कि सी टू लैंड लाता है तो सी ब्रिज, लैंड टू सी ले जाते हैं तो लैंड ब्रिज। तो ये दोनों आपको याद रखना है, यहाँ पे फिगर में इसको दर्शाया भी गया है। ऑल्सो नो दिस, आप इनको भी जानिए कि व्हाई द एयर कंडीशनर आर फिटेड एट हायर लेवल ऑफ ऑन द वॉल ऑफ रूम, कि आप देखिए कि जो एसी हम लगाते हैं वो दीवार पे ऊंची की ओर क्यों लगाते हैं, उसको नीचे क्यों नहीं लगाते। कोल्ड एयर इज हैवियर देन वार्म एयर, ये जो ठंडी हवा होती है वो गर्म हवा की तुलना में ज्यादा भारी होती है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द एयर कंडीशनर और कूलर इज बींग हैवियर मूव डाउनवर्ड व्हाइल द हॉट एयर एट द लोअर लेवल मूव अपवर्ड टू एंड गेट कूल्स एंड कम डाउन अगेन, कि क्या होता है कि गर्म हवा है वो ऊपर की ओर जाती है लेकिन जो एसी और कूलर की जो ठंडी हवा है वो नीचे की ओर आती है। जैसे ही वो नीचे की ओर आती है बची हुई जो नीचे की गर्म हवा है वो ऊपर चली जाती है, जैसे ही वो ऊपर जाती है एयर कंडीशनर या फिर कूलर है वो उसको ठंडा कर देते हैं और वापस नीचे ला देते हैं। इस तरह से जो हमारा कमरा है वो ठंडा होता है। दस द कन्वेक्शन करंट आर सेट इन एयर एंड रूम गेट्स कूलर फास्टेड, कि जब हमारे जो एयर और जो रूम होते हैं उनके कन्वेक्शन करंट इसलिए सेट किए जाते हैं ताकि जो रूम है वो ठंडे जल्दी हो जाए। व्हाई फ्रीजर इज मोस्ट लोकेटेड एट द टॉप इन एयर रेफ्रिजरेटर, आप देखते हैं ज्यादातर फ्रिज के अंदर क्या होता है, जो फ्रीजर है वो टॉप पर होता है, क्यों होता है। द एयर इन साइड एंड अराउंड द फ्रीजर कंपार्टमेंट गेट कूल्ड एंड मूव डाउनवर्ड, दस द लेस कूल्ड एयर मूव अप टू गेट कूल्ड, इसी तरह से जो मतलब जो फ्रीजर इसलिए ऊपर होता है क्योंकि जो ऊपर जो ठंडी हवा है फ्रीजर के अंदर की या फ्रीजर के आसपास की वो नीचे आती है
और नीचे की जो गर्म हवा ऊपर जाती है वो भी ठंडी होती है, नीचे की हवा भी ठंडी होती है, इसलिए पूरा फ्रिज जो है वो ठंडा हो जाता है। दस कन्वेक्शन करंट आर सेट इन द एयर एंड द लोअर सेक्शन ऑफ द फ्रीजर रेफ्रिजरेटर ऑल्सो गेट कूल फास्टर। इसके कारण जो जो हमारे कन्वेक्शन करंट है उनको हवा में जो हमारे होते हैं उनके नीचे जो फ्रिज का जो लोअर सेक्शन उसमें इस तरह से सेट कर देते हैं ताकि जो रेफ्रिजरेटर है वो पूरी जल्दी से ठंडा हो जाए। वाई द रूम हीटर्स आर प्लेस्ड नियर एट और द फ्लोर ऑफ द रूम, कि आप देखते हैं इस तरह से जो रूम हीटर अगर हम यूज करें तो रूम हीटर को हम कभी भी ऊपर नहीं लगाते, उसको हम नीचे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? एयर हीटेड बाय द रूम हीट गोज अप एंड द कूलर एयर फ्रॉम द हायर लेवल कम डाउन एंड हीटेड टू गो अप अगेन। कि इसमें क्या होता है, जो गर्म हवा है वो ऊपर की ओर जाती है लेकिन ऊपर की जो ठंडी हवा वो नीचे आएगी हीटर के पास, जैसे ही वो हीटर के पास आएगी हीटर उसको फिर से गर्म कर देगा और वो हवा भी गर्म हो जाएगी, इस तरह हमारा रूम भी है वो पूरा गर्म हो जाएगा। दस कन्वेक्शन करंट, इसलिए जो कन्वेक्शन करंट होते हैं उनको सेट किया जाता है इन एयर एंड रूम इन एयर एयर के अंदर ताकि जो रूम है वो जल्दी से हमारे गर्म हो जाए, बहुत जल्दी हमारे है जो कमरे हैं वो गर्म हो जाए। अब हम पढ़ते हैं रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। यानी कि हीट का ट्रांसफर होना एक गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की ओर बिना किसी मीडियम की प्रेजेंस के कारण, कि जैसे कि हीटर से हमारे पास जैसे आती है डायरेक्ट तो उसमें एयर के प्रेजेंस के उसका कोई मीनिंग नहीं रहता क्योंकि जैसे ही हम कार्डबोर्ड लगा देते हैं तो रुक जाती है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए हम सूरज और पृथ्वी के बीच में कोई बड़ी सारी चीज लगा दें जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लीजिए हम लगा दें तो सूरज की जो हीट है वो हमारे हम तक नहीं पहुंच पाएगी और पृथ्वी वो पूरी तरह से जम भी सकती है, पूरी तरह से बर्फीली भी बन सकती है। वी फील वॉर्म वेन वी सिट इन द सन, कि हम सूरज के सामने जब हम बैठते हैं तो हम गर्म महसूस करते हैं। इन फ्रंट ऑफ फायर, फायर के पास बैठते तब भी गर्म महसूस करते हैं। इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर की सामने हम बैठते हैं तो भी हम गर्म महसूस करते हैं। हाउ डज हीट ट्रेवल फ्रॉम द सन फ्रॉम द फायर फ्रॉम द हीटर इलेक्ट्रिक हीटर टू अस, कि सूरज से और आग से और जो इलेक्ट्रिक हीटर है उससे हीट हम तक किस तरह से पहुंचती है। देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, हम ना ही सूर्य को हाथ लगाते डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से छूते, ना ही हम आग को हाथ लगाते, ना ही हम हीटर को हाथ लगाते, फिर भी है वो हीट हम तक पहुंचती है। एंड द सोर्स ऑफ हीट, बिना किसी सोर्स के जो हीट है वो हम तक पहुंच जाती है। देयरफॉर ट्रांसफर ऑफ हीट कैन नॉट बी डन बाय द कंडक्शन, इसके अंदर हम छूकर उसको किसी तरह से हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर हम सूर्य के पास भी जाएंगे ना तो भी हम जल के राख हो जाएंगे, छूना तो दूर की बात है। इट कैन नॉट बी कन्वेंशन, ये कन्वेंशन के द्वारा भी नहीं किया जा सकता क्योंकि जो हेट हॉट एयर है वो ऊपर की ओर जाती है, हमारी ओर नहीं जाती। हम नीचे बैठे होंगे तो हमारी ओर थोड़ी ना आएगी बच्चों, जो हीट है वो तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो हमारे लिए स्पेशली चेंज थोड़ी ना करेगी, जो गर्म हवा है वो तो ऊपर ही जाएगी तो इसके कारण उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए कन्वेक्शन से भी ऐसा नहीं होता। फर्दर मोर वी कैन पुट अ कार्डबोर्ड और अ इंसुलेटर बिटवीन द अस एंड द सोर्स ऑफ हीट, वी नॉट लॉन्गर फील हॉट, कि जैसे ही हम कोई कार्डबोर्ड या फिर कोई इंसुलेटर को हमारे और जो हीट का सोर्स है जैसे हीटर हो गया या फिर जो हमारा जो फायर होगी उसके बीच में रख देंगे तो जो हमें है गर्मी ज्यादा देर तक नहीं लगेगी, हम ठंडा महसूस करने लग जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? द हीट फ्रॉम एनी डिस्टेंस सोर्स रीच अस बाय अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कॉल्ड रेडिएशन, कि रेडिएशन के द्वारा जो हीट है वो हम तक पहुंच जाती है। इसके अंदर कोई भी सोर्स दो सोर्सेज के बीच में हीट ट्रांसफर होता है बिना किसी मीडियम के। हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। All the hot substance and the object, whether solid, liquid or gas, transfer heat by radiation. कि जितने भी substance है solid, liquid और gas वो सारे जो हैं heat को हम उनके अंदर जो radiation के द्वारा heat transfer कर सकते हैं। Radiation need no medium. Radiation को transfer करने के लिए किसी भी medium की किसी भी मतलब हवा पानी किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। Transfer of heat by radiation can even occur in वैक्यूम, कि वैक्यूम यहाँ पर हवा ना हो बिल्कुल भी, निर्वात जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बिल्कुल भी हवा ना हो उसके अंदर भी हम रेडिएशन द्वारा हीट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्मल रेडिएशन इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन को हम इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं। दिस रेडिएशन ट्रेवल एट विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये जो रेडिएशन होता है वो जो लाइट हमारा प्रकाश की स्पीड होती है 3×10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, जो लाइट की स्पीड होती है उसी स्पीड के साथ जो थर्मल या फिर इंफ्रारेड जो रेडिएशन है वो ट्रेवल करता है। थर्मल रेडिएशन इवन कैन इवन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, जो थर्मल रेडिएशन है वो भी जो है वैक्यूम द्वारा जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको हम ट्रेवल करा सकते हैं।
रेडिएट हीट के बारे में पढ़ते हैं, थर्मल रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं। द हीट एनर्जी विच इज ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी विदाउट बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द स्पेस बिटवीन द हॉट एंड द कोल्ड बॉडीज इज कॉल्ड द रेडिएट हीट और थर्मल रेडिएशन। कि एक गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की ओर एक कोल्ड बॉडी की ओर हीट का ट्रांसफर होना, हीट एनर्जी का ट्रांसफर होना, उनके बीच का जो स्पेस होता है उसके द्वारा बिना किसी हीट एनर्जी के अब्सॉर्ब किए, यानी कि एक एक डिस्टेंस के ऊपर एक हॉट और कोल्ड बॉडी है, उनके बीच में हवा है। तो बिना हवा के जो हवा जब हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगी और दोनों जो बॉडीज है उनके बीच में हीट ट्रांसफर होगी, तब हम उसको बोलेंगे रेडिएट हीट या फिर थर्मल रेडिएशन। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि द रेडिएट हीट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। की ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का प्रकार है जो कि लाइट एनर्जी के बिल्कुल सेम होता है। इट ट्रेवल स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो स्पीड होती है लाइट की भी स्पीड होती है 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर जो मैंने आपको पहले बताया 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर और किलोमीटर का ध्यान रखना है, यहाँ पे ये कंफ्यूजन होती है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसी के साथ जो है वो रेडिएशन जो हीट होती है वो ट्रांसफर होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो हीट लाइट एनर्जी की स्पीड के बराबर होती है। When it is absorbed by some solid object, जब ये किसी solid object द्वारा शोषित उसका शोषण कर लिया जाता है, उसको सोख लिया जाता है, उसको absorb कर लिया जाता है, it raises its temperature, उस तरह से जो solid object है उसका temperature है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। It is must be remembered that the radiation is the first aid mode of heat transfer from a hot body to the cold body. कि जो radiation आपको याद रखना है कि जो radiation है वो हीट ट्रांसफर का एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हीट ट्रांसफर करने का सबसे फास्टेस्ट मोड है, यानी कि सबसे तेजी से वो हीट ट्रांसफर कर सकता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट बाय ए बॉडी, यानी कि जो रेडिएंट हीट होती है उसकी एक बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब करना, उसको सोखना। एज मेंशन अबव, जैसा कि ऊपर बताया गया, रेडिएंट हीट कैन राइज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ओनली इफ गेट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। कि जैसा कि ऊपर लिखा गया मैंने आपको बताया भी कि जो रेडिएंट हीट है उससे किसी बॉडी का टेम्परेचर तभी बढ़ेगा जब वो ऑब्जेक्ट है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, अपने अंदर सोखेगा। फर्दर मोर इट हैज बीन फाउंड दैट द डार्कर और द ब्लैकर सबसरफेस ऑफ द बॉडी द मोर हीट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब एंड द हाइयर विल बी द राइज इन टेम्परेचर। कि ये पाया गया है, ऐसी खोज में पाया गया है कि जो गहरे रंग के यानी कि जो डार्कर जो सब्सटेंस होते हैं या फिर काले रंग के जो सरफेस होते हैं किसी बॉडी के ऊपर वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गर्मियों में हमें काले कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काले कपड़े हैं वो सूरज की हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, हमें ज्यादा गर्मी देते हैं। इसी प्रकार इसी का कारण है कि हम गर्मी के अंदर गर्म जो काले कपड़े हैं वो कम पहनते हैं, बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। हाउएवर द बॉडी इज वाइट और शाइनिंग और हैज अ पॉलिश्ड सरफेस द मोस्ट ऑफ द रेडिएंट हीट गेट रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस ऑफ बॉडी हैंस द टेम्परेचर डज नॉट राइज एप्रिशिएबली। कि जब जो बॉडी का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है या फिर शाइनिंग होता है या फिर उसका जो सरफेस है वो पॉलिश किया होता है, जब जो हीट वो रेडिएंट जो हीट होती है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल जाती है और हमारी जो बॉडी जो है वो जल्दी से गर्म नहीं होती। इसलिए हम गर्मियों के अंदर जो है हम सफेद कपड़े पहनते हैं या फिर लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, जिसके कारण जो हीट है वो कम एब्जॉर्ब होती है जो या फिर बिल्कुल भी एब्जॉर्ब है वो नहीं होती है। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेडिएंट हीट, इनकी रेडिएंट हीट के एप्लीकेशन क्या क्या है। इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट और लाइटर क्लोथ इन हॉट समर देन ब्लैक और डार्क कलर क्लोथ, दिस इज बिकॉज दे एब्जॉर्ब लेस रेडिएंट एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट पीछे एग्जाम्पल में बताया कि गर्मियों के अंदर हम सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं और गर्मियों के अंदर हम सफेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं लेकिन काला क्यों नहीं करते, क्योंकि वो जो काले कपड़े हैं वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और जो व्हाइट कपड़े हैं वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल इज मेड ब्लैक, की जो हमारे बर्तन के जो नीचे के जो हिस्से होते हैं जिनको हम खाना पकाते हैं वो ज्यादातर काले रंग के बनाते हैं या फिर उनकी जो साइड है वो बिल्कुल शाइनी होती है और उनकी साइड है वो बिल्कुल शाइनी होती है। क्यों? इट इज बिकॉज द ब्लैक सर्फेस, जो ब्लैक कलर का सर्फेस है वो रेडिएंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद तेजी से एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके बाद में क्या होगा, जो खाना है वो नीचे पकना शुरू हो जाएगा और जो शाइनी जो हिस्सा है साइड का वो हमारी हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जिसके कारण जो हीट है वो जो वेसल के अंदर ट्रैप रह जाएगी एंड विच इज गेट्स हीटेड रैपिडली, जिसके कारण क्या होगा कि जो साइड की जिससे वो धीरे धीरे गर्म होंगे लेकिन नीचे जो खाना है वो जल्दी से हमारा गर्म हो जाएगा।
टी और कॉफी स्टे वोट फॉर ए लोकल टाइम इन शाइनी पॉइंट देन इन एप ब्लैक एंड वोट, कि आप देखेंगे कि आप टी और कॉफी को या चाय या फिर कॉफी को अगर आप काले रंग के अगर किसी बर्तन में रखेंगे तो वो जल्दी ठंडी होगी, लेकिन अगर आप उसको किसी चमकदार या फिर ग्लास में रखेंगे तो वो जल्दी से ठंडी नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, दिस इज बिकॉज द शाइनिंग पॉट इज पुअर रेडिएटर ऑफ रेडिएंट हीट एनर्जी, कि जो शाइनिंग पॉट होगा वो हीट को कम एब्जॉर्ब करेगा या बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जिसके कारण जो चाय है वो लंबे समय तक या कॉफी है वो लंबे समय तक गर्म रहेगी। द बिल्डिंग आर पेंटेड व्हाइट और विद लाइट कलर टू स्टे कूल इन द समर एज व्हाइट और द लाइट कलर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे हम कपड़े पहनते हैं उसी तरह से जो बिल्डिंग्स है उनको हम व्हाइट कलर से पेंट करते हैं या फिर ज्यादातर है वो लाइट कलर से पेंट कराते हैं ताकि वो गर्मियों के अंदर ठंडी रह सके, क्योंकि जो लाइट कलर या फिर व्हाइट कलर जो होते हैं वो जो सूरज की जो गर्मी है उसको कम एब्जॉर्ब करते हैं, जो रेडिएंट हीट एनर्जी है उसको कम एब्जॉर्ब करते हैं, उसको ज्यादातर है वो रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण जो कपड़े हैं वो जो हमारे कमरा जो है वो ठंडा रहता है। तो यहाँ पे असाइनमेंट है वो अपने आप कर लेना, माइंड मैप आप समझ सकते हैं कि हीट के बारे में बताया गया है जो कि हमने पढ़ा है, इफेक्ट ऑफ हीट बताया गया है जो भी हमने पढ़ा है, थर्मामीटर के बारे में बताया गया है, टाइप ऑफ थर्मामीटर के बारे में बताया गया है यहाँ पर जो कि हमने पढ़ लिया, फिर थर्मामीटर के बाद में यहाँ पर इसके बाद में टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर तीनों टाइप भी हमने पढ़ लिए हैं और टेम्परेचर के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें, बाय।